आई गाइज वेलकम बैक टू द चैनल दिस इज खान बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो आई नो इट हैज़ बिन अ वाइल्ड आई वॉज अ वे फॉर अ वाइल्ड कुछ काम ऐसे चल रहे थे क्लाइंट्स के कुछ काम शाम थे मार्केटिंग कुछ और बिजनेसिस जो हैं उसके ऊपर कुछ फोकस कह रहा था मैं बट आई एम बैक आई एम बैक विद अ बैंक जितनी भी चीज़ें इससे पहले जिनके ऊपर मैंने बात की है जिनके ऊपर मैंने शॉर्ट्स बनाई हैं जिनके ऊपर मैंने वीडियोज़ बनाई हैं ऑल दोज वेज़ जिनके थ्रू आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं जो मैंने इससे पहले आपको वीडियोज़ में बताए हैं अब बेसिकली उन सारी चीज़ों के ऊपर प्रॉपर ट्रेनिंग सीरीज़ बनाने वाला हूँ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक एक टॉपिक के ऊपर एक डिटेल्ड सीरीज़ बनेगी लाइव में आपको ऑन वीडियो दिखाऊँगा कैसे आपने स्टार्ट करना है एंड तक के कैसे आपने अपने लिए सेल्स जो है वो जनरेट करनी है शर्त सिर्फ ये है कि आपने इस चीज़ को गौर से देखना है आपने कोई भी पार्ट इसका स्किप नहीं करना ताकि आपसे कोई भी डिटेल जो है वो मिस ना हो इससे पहले भी आपने हज़ारों वीडियोज़ आईम श्योर देखी होंगी लेकिन आई डोंट नो अगर आपने पैसे कमाए हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आप लोग ऑलरेडी पैसे कमा रहे हैं या आपको इशूज़ आ रहे हैं आप नहीं कमा सक रहे ताकि मैं उन चीज़ों को भी एड्रेस करूँ और मैं उसमें भी आपकी हेल्प कर सकूँ मैं आपको गारंटी देख के साथ कह रहा हूं कि आप अगर इस सीरीज़ को प्रॉपर गौर से देखते हैं साथ साथ इसको मुझे फॉलो करते हैं तो आप बाय द एंड ऑफ दिस वीक अपने लिए पहली सेल बल्कि मल्टीपल सेल्स जो है वो फाइबर पे जनरेट कर रहे होंगे ठीक है आपका फ्री का करियर बड़े आराम से शुरू हो जाएगा कोई भी स्किल है आपके पास चाहे वो कंटेंट राइटिंग है चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइन है चाहे वो सोशल मीडिया मैनेजमेंट है चाहे वो एडवर्टाइजिंग है वट एवर इट इज आप उसको यूज़ करके अपने लिए पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं शर्त सिर्फ यह है कि आपने शुरू से एंड तक इस पूरी सीरीज़ को देखना है तीन वीडियोस आएंगी इस सीरीज़ में टोटल आज पहली वीडियो है ये पार्ट वन है इसका पार्ट टू आपको कल मिलेगा आज जो मैं इस वीडियो में चीज़ें दिखाऊंगा आपने आज का काम आपका यह है कि इस वीडियो को आपने बार बार देखना है साथ साथ जो मैं चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ मैं आपको आज स्क्रीन पे लाइव दिखाऊंगा कि कैसे आपने अपना अकाउंट प्रोफेशनली सेटअप करना है ताकि आपको फ़ौरन जो है वो सेल्स आनी स्टार्ट हो जाए ठीक है पार्ट वन में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे फाइबर अकाउंट को सेटअप करना है कैसे उसको प्रॉपरली डिजाइन करना है उसके बाद कल जो है वो उसका पार्ट टू आएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने अपनी गिग्स को सेटअप करना है कैसे उनको प्रोफेशनली डिजाइन करना है कैसे आपने अपनी एग्जांपल्स को सेटअप करके रखना है ठीक है कैसे अपना पोर्टफोलियो बनाना है और उसके बाद अगले दिन आएगा इसका पार्ट थ्री पार्ट थ्री में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपने अपनी गिग को प्रमोट करना स्टार्ट करना है कैसे उसके ऊपर अपने लिए सेल जो है वो जनरेट करना शुरू करना है कैसे आपने पहली सेल जनरेट करनी है और उसके बाद साथ साथ आप मल्टीपल सेल जो है वो जनरेट करना स्टार्ट कर देंगे और ऑटोमेटिकली क्योंकि आप जब सेल जनरेट करेंगे तो फाइवर भी आपकी गिग लोगों को रिकमेंड करेगा और आपकी हजारों डॉलर्स की सेल जो है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी शर्त सिर्फ ये है कि आपने इस वीडियो को गौर से देखना है मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप अभी क्योंकि अभी हम शुरू करने वाले हैं तो आप अभी अपना लैपटॉप उठाएं सब कुछ छोड़ दें अगर आप कर सकते हैं लैपटॉप उठाएं अपने कंप्यूटर पर बैठें और साथ साथ मुझे जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने वाला हूँ आप उसको फॉलो करना स्टार्ट करें ठीक है ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना करें अगर आपसे इससे पहले कोई गलती हुई हुई भी, भी है तो आई एम श्योर जो मैं चीज़ें आपको जिस तरीके से बताऊँगा आप उसको भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप अपने लैपटॉप्स उठाएं अपने कंप्यूटर्स पे आ जाएं और साथ साथ इसको फॉलो करना स्टार्ट करें ठीक है अपने फाइवर अकाउंट को सेटअप करें उसके बाद आपने ये करना है जब ये वीडियो ख़त्म हो जाती है तो आपने अपने अकाउंट्स को गौर से देखना है प्रॉपर तरीके से देखना है कि हर एक चीज़ प्रॉपरली आपने सेटअप कर ली है या नहीं जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। कल उसके बाद हम शुरू करेंगे अपनी गिग को सेटअप करना मैं आपको प्रोफेशनली उसको डिज़ाइन करना उसको सेटअप करना उसमें आपने क्या लिखना है किस तरीके से लिखना है वो सिखाने वाला हूँ ठीक है कल हम वो करेंगे और उसके बाद आपका टास्क होगा कि आप जाके अपनी गिग्स को सेटअप करें और फिर थर्ड डे पे हम सेल्स जनरेट करना सीखेंगे उस पर अब सबसे पहला काम यह है कि हमने अपने फाइबर के अकाउंट को प्रॉपरली और प्रोफेशनली सेटअप करना है तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और मैं आपको सिखाता हूं कि आपने अपने फाइबर अकाउंट को सेटअप कैसे करना है स्टार्ट से लेके एंड तक तो फॉलो मी अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा तेज जा रहा हूँ तो आप वीडियो को वहीं पे पॉज करके उसको रोक दिया करें और साथ साथ उस स्टेप के तरफ पहुँच जाया करें और जब आप उस स्टेप को कंप्लीट कर देते हैं तो आप उसको प्ले करके फॉरवर्ड करके आगे जा सकते हैं और बाकी के स्टेप्स को कंप्लीट कर सकते हैं तो लेट्स गो टू तो आर कंप्यूटर स्क्रीन्स और हम इसको कंटिन्यू करते हैं अब अपने फाइबर के अकाउंट को सेटअप करना लेट्स गो ऑल राइट गैस तो अब हम लोग आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और अब इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं अपने फाइबर अकाउंट को सेटअप करना तो आई होप आप लोगों ने अपने लैपटॉप्स को रेडी कर लिया अपने सिस्टम्स को रेडी कर लिया आपने फ़ाइबर को ओपन कर लिया है और आपने अपने ई को ओपन कर लिया ताकि हम अपने फाइबर अकाउंट को सेटअप करना शुरू करें और अगर आप बिल्कुल नहीं हुए यहाँ पर और आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं और अगर आप जीरो से भी शुरू कर रहे हैं तो ये वीडियो परफेक्ट है आपके लिए क्योंकि इसमें मैं बिल्कुल बिगिनर लेवल से लेके एडवांस लेवल तक की चीज़ें सिखाने वाला हूँ नॉर्मली ये सारी चीज़ें मैं अपने प्रीमियम कोर्सेज में बताता हूँ बट आई हैव डिसाइडेड टू गिव इट अवे फॉर फ्री तो मैं वो कंप्लीट एक प्रीमियम कोर्स जो है बिगिनर uh, लेवल से लेके एडवांस लेवल तक का मैं आपको इन्हीं इस पूरी सीरीज़ में जो है वो आपको बताने वाला हूँ तो लेट्स गेट स्टार्टेड सबसे पहले आपने ये करना है कि फाइवर डॉट के ऊपर चले जाना है और वहाँ पर जॉइन पे क्लिक करना है जब आप जॉइन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपने अपना ईमेल uh, जो है वो यहाँ पे इंटर करना है ठीक है जिसके ऊपर आप अपना अकाउंट को रजिस्टर करना चाहते हैं आपने उसके बाद उसको कंटिन्यू कर देना है और अब आपको ये बोलेगा अपना यूज़र नेम क्रिएट करने के लिए ठीक तो यूज़र नेम मैंने क्रिएट कर लिया है उसके बाद आपने अपने लिए एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है जो मैंने ऑलरेडी कर लिया है और उसके बाद आपने क्लिक कर देना है ज्वाइन के ऊपर अब ज्वाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी ठीक है आपको ऊपर एक नोटिफिकेशन नज़र आ रहा होगा जिसमें आपने अपने ईमेल को वेरीफाई करना है तो आप अपने ईमेल पे जाएंगे ईमेल पे आ, आप उसको रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास फाइबर से एक ई मेल आया हुआ होगा यहाँ पर आपने एक्टिवेट योर अकाउंट पे क्लिक करना है तो आपका अकाउंट जो है बेसिकली वो एक्टिवेट हो जाएगा ठीक है आपको ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेटेड अब शुरू होता है हमारा मेन काम ठीक है अब हम लोगों ने क्योंकि यहाँ पे सेलर बनना है तो आपने यहाँ पे बिकम अ सेलर पे क्लिक कर देना है अब जब आप बिकम अ सेलर पे आएंगे तो आपको यहाँ पे एज अ सेलर रजिस्टर होना होगा तो आपने बिकम अ सेलर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ये कुछ ऑप्शंस आपके सामने आ गए हैं ये आपको प्रॉपर गाइड भी करता है लेकिन जिस तरीके से मैं आपको सिखाने वाला हूँ आपने उसको फॉलो करना है और आपने उसी तरीके से चीज़ों को करना है ठीक है अब सबसे पहले है रेडी टू स्टार्ट सेलिंग ऑन फाइवर इज़ अ ब्रेक डाउन ये अब आपको डिफरेंट चीज़ें बता रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये आपको आई एम श्योर इसकी थोड़ी सी जो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं वो आपको रीड कर लेनी चाहिए ताकि आपको पता हो कि आपने किस तरफ नहीं जाना है ठीक है एडल्ट टाइप की चीज़ें या इस तरह की पिक्चर्स कोई भी जो इसके टर्म्स के अगेंस्ट जाती हैं वो आपने इसमें इस्तेमाल नहीं करनी नहीं तो आपका अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड कर दिया जाएगा ठीक है आपने अपनी सेलर प्रोफाइल अब हमने यहाँ पर सेटअप करनी है और उसके बाद हमने अपनी गिग सेटअप करनी है तो सबसे पहले चलते हैं और अपनी प्रोफाइल को सेटअप करना स्टार्ट करते हैं इसको हम करते हैं कंटिन्यू यहाँ पे आपके पास कुछ और डिटेल्स आई हुई हैं जिसको आपको थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए कि यू नो आपको आराम तरीके से प्रॉपर तरीके से अपनी गिग सेटअप करनी चाहिए सॉरी अपनी प्रोफाइल सेटअप करनी चाहिए प्रॉपरली अपने आप को डिस्क्राइब करना चाहिए आपकी जो यहाँ पे पिक्चर होगी वो बड़ी प्रोफेशनल होना चाहिए वो मैं आपको साथ साथ अभी बताता हूँ और आपने ये मेक श्योर sure करना है कि आपने ओवर द टॉप जाके कोई चीज़ नहीं करनी कोई बहुत ज़्यादा ऐसी इन्फॉमेसन लेट से अगर आप बहुत ही बिगिनर हैं ग्राफिक डिज़ाइन में और आप लिख देते हैं कि जी मेरा बीस साल का एक्सपीरियंस है तो इस तरह की चीज़ें आपने नहीं करनी क्योंकि अगर कोई कस्टमर आएगा और वो ये एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि आपका बीस साल का एक्सपीरियंस है और आप बहुत अच्छे करते हैं और अगर आपने सिर्फ एक महीना पहले शुरू किया है तो वो कस्टमर डिसअपॉइंट डिस आपसे जाएगा और वो आपको एक बुरा रिव्यू छोड़ देगा और अगर सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो आपने बुरे रिव्यूज से यहां पर बचना होता है फाइवर से अगर आपको बुरे रिव्यूज आते हैं और आपकी रेटिंग फोर पॉइंट सेवन से डाउन होती है तो आप अब एक मतलब अच्छा करियर शुरू करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा तो आपने चीज़ों को शुरू में बड़ा परफेक्ट रखना है ताकि आपको कोई इस किस्म की हर्डल ना आए और आप एक स्मूथ तरीके से अपने ग्राफ को ऊपर लेकर जाए और अपनी सेल्स को बढ़ाएं तो अब हम कर देते हैं इसको कंटिन्यू और हमारे सामने आ जाएगी ये स्क्रीन जहाँ पे हमने अपनी पूरी की पूरी प्रोफाइल जो है उसको क्रिएट करना है यहाँ पे आपने जो है तो अपना असली नाम जो है वो मेंशन करना है मैं इसको ज़रक और ख़ान कर देता हूँ पिक्चर जो है ये आपने एक प्रोफेशनल किस्म की अपनी लगा देनी है यहाँ पे इसको हम एंड में जाके लगाते हैं पहले हम जाते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन के ऊपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है आपकी प्रोफाइल में जब भी कोई कस्टमर आता है या कोई क्लाइंट आता है तो वो देखता है आपकी डिस्क्रिप्शन को अगर आपकी डिस्क्रिप्शन प्रोफेशनल नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोफाइल से चला जाएगा उसको वहीं से लग जाएगा कि यार ये बंदा प्रोफेशनल नहीं है और क्लाइंट्स को जो प्रोफेशनल क्लाइंट्स होते हैं जो बाहर के क्लाइंट्स होते हैं वो उनके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है तो मैं आपको एक बेसिक तरीका सिखाता हूँ कि कैसे आपने अपनी डिस्क्रिप्शन को लिखना है और कैसे सेटअप करना है आप उसी को फॉलो करके अपने अपने स्किल के हिसाब से अपने जो आपके काम का नेचर है उसके हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं मैं आपको मेन चीज़ें बताऊंगा कि आपने इसमें क्या मेंशन करनी है और किस तरीके से ठीक है आपने अपनी जो स्किल के हिसाब से आप आपकी जो प्रोफाइल होगी आपने इसी इसी सीक्वेंस में लेके इन सारी चीज़ों को अपने डिस्क्रिप्शन में मैंशन में कर देना है सबसे पहले आपने मेंशन करना है इसमें अपना नाम तो अब मैं एक डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ साथ मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या लिखा है और मैंने क्यों लिखा है और राइट गाइज तो अब मैंने अपनी पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन जो है वो लिख दी है मैं एक आपको एक दफ़ा रीड करके भी बताता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसमें क्या किया है और किस तरीके से किया है सबसे पहले मैंने स्टार्ट की है माई नेम इज़ ज़रक खान एंड आई एम अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर विद एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन एलेवन ईयर्स इन द फील्ड अब अगर आप इसको गौर से देखें तो मैंने पहली ही लाइन में अपने डिस्क्रिप्शन की अपने क्लाइंट को बता दिया है कि मैं एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और मेरा 11 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में जब एक क्लाइंट ये देखेगा तो उसको ऑटोमेटिकली लगेगा कि यार हाँ ये इस टाइप का बंदा मुझे चाहिए जिसका एक्सपीरियंस भी है ठीक है और जो कि अपने काम का प्रोफेशनल है उसके बाद मैंने इसमें लिखा है आई हैव वर्क विद मैनी प्रोफेशनल्स एंड बिजनेसिस एंड हेल्प दैम मेक दियर सोशल मीडिया लुक ग्रेट विद माई ग्राफिक डिज़ाइन सर्विसेज अब यहाँ पे मैंने उसको एक और चीज़ बताई है कि यार मैंने जितने भी लोगों के साथ आज तक काम किया है मैंने उनके सोशल मीडिया को अच्छा दिखाया है मतलब उनके डिज़ाइंस मैंने इतने खूबसूरती से किए हैं कि उनका सोशल मीडिया अच्छा लगने लग गया है। तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ आपके क्लाइंट को हुक करती है कि यार अगर इसने इतने ज़्यादा लोगों की हेल्प की और अगर ये इतना यू नो कॉन्फिडेंटली बता रहे है अपनी डिस्क्रिप्शन में तो आई एम श्योर इसका काम अच्छा होगा और वो देखेगा फिर उसके बाद उसका वो दिल करेगा कि यार वो आपके जाके पोर्टफोलियो देखे लेकिन आपने मेक श्योर sure करनी है कि आपका काम जो है वो आप, आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो आपके काम के लेवल के हिसाब से हो अगर आपका दो साल का एक्सपीरियंस है तो आपने इसमें क्लियरली लिखना है कि आपका दो साल का एक्सपीरियंस है आपने उसको तेरह साल का नहीं बनाना या बारह साल का नहीं बना देना है ठीक है क्योंकि वहां पर फिर आपके काम जो है वो रिफ्लेक्ट करता है आपका एक्सपीरियंस ठीक है उसके बाद उसके बाद अगर आप आगे देखें तो मैंने लिखा है आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माई वर्क एंड आई ऑलवेज़ ट्राई टू गिव द बेस्ट वर्क टू माई क्लाइंट्स एंड आई एम ऑलवेज़ हैप्पी टू एडजस्ट स्केजुअल यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा ठीक कर देते हैं एडजस्ट माई स्केजुअल एंड वर्क अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट्स डिमांड अब यहाँ पर मैंने उसको बता दिया है कि भाई मैं फ्लैक्सीबल बन रहा हूँ मैं तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे स्ेड्यूल के हिसाब से तुम्हारी टाइमिंग तुम्हारी पसंद के हिसाब से अपने डिज़ाइंस को एडजस्ट भी कर सकता हूँ तो ये एक एडिशनल प्लस पॉइंट है कि जब फ्लेक्सीबल लोग क्लाइंट्स uh, को मिलते हैं तो वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं उनके साथ काम करना उसके बाद मैंने उस बंदे को या जो भी मेरा क्लाइंट या रीडर पोटेंशल होगा उसको मैंने ये बताया एंड में कि फ्राम सोशल मीडिया पोस्ट टू वेबसाइट बैनर्स आई कैन डिजाइन एवरी थिंग जस्ट द वे यू वॉन्ट इट यहां से उसको मैंने यह बता दिया कि भाई आपको सोशल मीडिया पोस्ट से लेकर ग्राफिक डिजाइन जो है वेबसाइट के जो बैनर्स हैं वहां तक जो है सारा कुछ मिल सकता है ठीक है चाहे उसमें पोस्टर्स आते हैं चाहे उसमें बैनर्स आते हैं चाहे उसमें आ, लीफलेट्स आते हैं चाहे उसमें स्टैंडीज आते हैं ठीक है कुछ भी चीज हो सकती है वो मैं आपको डिजाइन करके दे सकता हूँ इस टाइप की जो एक डिस्क्रिप्शन होती है ये आपका सारा शुरू से लेके एंड तक एक एक्सपीरियंस आपका आपकी लिटी आपके काम करने का तरीका सारा कुछ बता देती है और दिस इज वॉट नो क्लाइंट्स लुक फॉर अब उसके आगे बढ़ते हैं और यहां पे आ जाता है लैंग्वेजेस का सेक्शन तो लैंग्वेजेस में आपने क्या करना है कि सबसे पहले डालना है इंग्लिश को ठीक है लैंग्वेज का लेवल आपने इसको रख देना है फ्लुएंट के ऊपर ठीक है और आपने अगर आप फ्लूंट नहीं भी हैं इंग्लिश में लैंग्वेज में तो आपने कोशिश करते रहना है कि आप अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करते देना ताकि आपकी कम्युनिकेशन जो है क्लाइंट्स के साथ वो आसान हो उसके बाद आपने कर देना है कि आपने इसमें फ्रेंच भी जो है इंक्लूड कर देनी है डोंट वरी अगर कोई फ्रेंच क्लाइंट आपके पास आता है तो आप गूगल ट्रांसलेट यूज़ करके वो मैसेजिंग कर सकते हैं और ज़्यादातर क्लाइंट इवन फ्रांस से भी हों तो वो भी आपके साथ ज़्यादातर इंग्लिश में ही बात करते हैं ठीक है ये दो लैंग्वेज़ होगी और उसके बाद एक जो बड़ी लैंग्वेज है वो है स्पेनिश ठीक है आपने स्पेनिश उसमें ऐड कर देना है और उसमें आपने फ्लुंट को ऐड करके कर, कर देना है जब आप ये करेंगे तो आई ट्रस्ट में आपको ज़्यादा व्यूज़ आएंगे आपको आ, उन कंट्रीज जहाँ पे फ्रेंच बोली जा रही है वो कंट्रीज जहाँ पे स्पेनिश बोली जा रही है वहाँ से भी व्यूज़ आ रहे होंगे उसके बाद आपने अपनी इसमें एक पिक्चर ऐड कर देनी है तो मैं जाके इसमें अपनी एक पिक्चर जो है वो ऐड कर देता हूँ और आपने मेक श्योर sure करना है कि आपकी जो पिक्चर हो वो जरा सी प्रोफेशनल लगने वाली हो ठीक है यह ना हो कि आप फूलों में और बागों में लेटे हुए हैं और आप वो वाली पिक्चर इसमें अपलोड कर दें ऐसा कुछ नहीं करना एक डिसेंट प्रोफेशनल सी फ़ोटो आपने अपलोड करनी है जिससे आपकी थोड़ी सी पर्सनैलिटी लगे कि हाँ यार ये एक प्रोफेशनल बंदा है उसके बाद आपने अपना ऑक्यूपेशन जो है यहाँ पे ऐड कर देना है मैं इसमें डिजिटल मार्केटिंग ऐड कर देता हूँ और इसमें आपने दो से पांच जो कैटेगरीज होती हैं मेन वो सिलेक्ट कर देनी है तो मैं इसमें से सेलेक्ट कर दूँगा एफिलियट मार्केटिंग डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग क्योंकि ऑब्वियसली ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम है सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग एंड उसके बाद है सोशल मीडिया मार्केटिंग और एक और हम ऐड कर सकते हैं विच इज़ ई कॉमर्स मार्केटिंग क्योंकि इसमें भी डिज़ाइन का ग्राफिक डिज़ाइन का काफ़ी काम होता है काफ़ी रोल होता है उसके बाद आपने नीचे आ जाना है और अपने स्किल्स को ऐड कर देना है ठीक है तो इसमें जितने भी स्किल्स हैं आपके पास ठीक है जितने ज़्यादा हों आपने इसमें ऐड कर देने हैं तो मैं इस टाइम पे बेसिक कुछ स्किल्स ऐड करके आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या करना है किस तरीके से करना है ठीक है और आपने जो है तो अपने स्किल्स के हिसाब से यहाँ पे सर्च करना है आपके पास ये ऑप्शन आते रहेंगे और आपने उसको इसमें ऐड कर देना है तो पिंट्रस्ट ग्राफिक ठीक है एक्सपीरियंस लेवल आपने इसमें कर देना है एक्सपर्ट का um, अगर आपका काम अगेन अगर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है आप बिल्कुल नहीं है हैं तो आप इसमें बिगिनर या इंटरमीडिएट भी रख सकते हैं बट मैं क्योंकि काफ़ी से काम करूँ तो मैं इसको एक्सपर्ट ही रखने वाला हूँ उसके बाद हम चले जाते हैं अगले स्किल पे ग्राफिक डिज़ाइन सोशल मीडिया इनफोग्राफ डिजाइन हो गया ठीक है और इसी तरह आपने जो है वो पूरी एक लिस्ट जो है वो क्रिएट कर देनी है अपने स्किल्स की ठीक है जितने ज़्यादा एज आई सेट जितने ज़्यादा हो उतना ज़्यादा बेहतर है अब क्योंकि वीडियो अभी इसको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते हैं, तो मैं सारा कुछ नहीं करने वाला लेकिन आप दोबारा इस प्रोफाइल पे आएंगे या आपके सामने ही मैं बना रहा हूँ तो आप इसको आके चेक भी कर सकते हैं और इससे आइडिया भी ले सकते हैं ठीक है कल भी हम इसी पर ही कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट सेकेंड ट्रेनिंग के लिए उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपने अपनी एजुकेशन जो है वो सारी की सारी इसमें ऐड कर देनी है ठीक है आपकी लेट से अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है या मास्टर्स किया हुआ है जो भी चीज़ें की हुई हैं वो आप जब इसमें डालेंगे तो उससे आपके क्लाइंट को पता चलेगा कि यार हाँ ये पढ़ा लिखा आदमी है ये प्रोफेशनल है इसकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी ये प्रोफेशनल होगा ये टाइमली चीज़ें डिलीवर करेगा तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है तो आपने इसमें अपनी एजुकेशन जो है वो अपने हिसाब से ऐड कर देनी है मैंने क्योंकि यूनाइटेड किंगडम से पढ़ा है तो मैं वो इसमें ऐड कर दूंगा तो मैं एक यूनिवर्सिटी इसमें ऐड करने वाला हूँ आपने जो है वो अपनी लाइक कॉलेज से ले के आ, सारी की सारी अपनी स्कूल से लेके कॉलेज तक की सारी एजुकेशन जो है वो रिसेंट वहां तक ऐड कर देना है उसको ठीक है जी उसके बाद आपने अपना इसमें ईयर डाल देना है जिस ईयर में आपने इसको कंप्लीट किया था और उसके बाद आपने इसको ऐड कर देना है और इसी तरह इसमें आपने ऐड न्यू करके अपनी सारी की सारी एजुकेशन जो है वो डाल देनी है सर्टिफिकेशन ऑफ अवार्ड अगर आपने कोई भी कोर्स किया है किसी भी कंपनी से किया तो उसका एक सर्टिफिकेट आपको मिला हुआ होगा तो यहां पे आपने उसका नाम लिख देना है और किस कंपनी से आपको मिला है आपने वो ऐड यहां पे कर देना है और उसके बाद उसका ईयर आपने डाल देना है किस ईयर में आपको मिला है और उसको ऐड कर देना है इस तरह कर लेते हैं कि सर्टिफिकेशन ऑफ अवार्ड जो है वो ऐड कर देते हैं विच इज बिजनेस From your डी year 2019 टू ठीक है जी अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपने इसमें ऐड कर देना है और अगर नहीं है तो डोंट वरी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सर्टिफिकेट्स ले सकते हैं और उसके बाद अपनी प्रोफाइल में इसको ऐड कर सकते हैं जिससे आपकी प्रोफाइल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है ठीक है प्रोवाइड उसके बाद नीचे आप तो तो अगर आप देखें पर्सनल वेबसाइट पे तो प्रोवाइड अ लिंक टू योर ओन पर्सनल वेबसाइट अगर आपकी कोई पर्सनल वेबसाइट है या कोई पोर्टफोलियो है आप उसका लिंक यहाँ पे डाल डाल सकते हैं और ये हो जाएगा हमारा इंस्टाग्राम इन, डॉट कॉम स्लैशन ठीक है यहाँ पे आपने अपना पर्सनल वेबसाइट भी ऐड कर देनी है और आपने अपना सर्टिफिकेशन भी यहाँ पे ऐड कर देना इस तरीके से और जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा एक चीज़ मुझसे गलती हो गई थी रह गई थी यहाँ पे आपने अपना ईयर लिख देना है कि आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है इसमें तो मेरा जो है तो तकरीब टू थाउजेंड का है तो मैंने उसको रिसेंट जो डेट है वहाँ तक कर देना है और उसके बाद हम इसको कर देंगे कंटिन्यू अब यहाँ पे जाके आपने अपनी जो सोशल मीडिया है उसको इसके साथ कनेक्ट कर देना है जब आप कनेक्ट करेंगे तो आपका कंप्लीशन रेट जो है वो 60 प्लस हो 60 परसेंट प्लस हो जाएगा और आप अपनी प्रोफाइल को क्रिएट कर सकेंगे ठीक है तो हम ऐसे करते हैं कि इसको अपने गूगल के साथ सबसे पहले कनेक्ट कर देते हैं और ये आप देख सकते हैं कि ये वेरीफाइड हो गया है। और दूसरा हम इसको अपने किसी एक ट्विटर के साथ क्रिएट कर देते हैं ठीक है और राइट right, जी उसके बाद हमने इसको भी अपने ट्विटर अकाउंट को भी सेटअप कर दिया है आपका 65% परसेंट हो जाता है आपने इसको कंटिन्यू कर देना है अब यहाँ पे आपका ईमेल जो है वो वेरीफाइड है फ़ोन नंबर आई थिंक ऐड करना ज़रूरी होता है लेकिन मैं नहीं ऐड कर रहा लेकिन आप इसे अपना फ़ोन नंबर जो है वो ऐड कर सकते हैं और आपकी प्रोफाइल का कंप्लीशन रेट जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा ठीक है आपने इसको कर देना है डन अब ये आपको ले आएगा तो बेसिकली अब आपकी जो प्रोफाइल है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है वो सेटअप हो चुकी है आई एम श्योर कि आपने अपनी जो स्किल्स uh, हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐड कर दी होंगी वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगी सारी आपने अपना एजुकेशन जितनी की जितनी है वो यहाँ पे सारी ऐड कर दी होगी और आपकी सर्टिफिकेशन सारी की सारी आपने ऐड कर दी होगी तो यहाँ पर आपको नजर आएगा तो अब आपको नजर आएगा कि जब आप अपनी प्रोफाइल पर आते हैं तो ये बड़ी प्रोफेशनल प्रोफाइल लग रही है आपकी पिक्चर जो है एम श्योर आपने अच्छी लगाई होगी आपकी डिस्क्रिप्शन जिस तरीके से मैंने आपको बताया आपने उस तरीके से अगर सेटअप किया तो बड़ी सॉलिड लग रही होगी नीचे आएंगे आपकी लैंग्वेजेस आपको नज़र आ रही हैं उसके नीचे अगर आप आते हैं तो आपके लिंक्ड अकाउंट्स आपको नजर आएंगे हमने गूगल और ट्विटर की है अगर आपके ये बाकी अकाउंट्स हैं तो आप इनको भी ऐड कर सकते हैं ताकि आपको लोगों को आ, लोगों को आप अपना बाकी का पोर्टफोलियो भी जो दिखा सकें स्किल्स आप यहाँ पर आके अगेन इसको ऐड कर सकते हैं जो कि आज मैं करने वाला हूँ और आप इस प्रोफाइल पर आके इसको देख भी सकते हैं ये मैंने इसीलिए बनाई है ताकि आप इसको आके चेक कर सकें ठीक है इसका लिंक है फाइवर डॉट कॉम स्लैश बी टी एस ट्रेनर और जब आप इस लिंक पे आएंगे तो आपको ये प्रोफाइल नजर आ जाएगी और आप इसको देख के इससे आइडिया कंटिन्यूसली ले सकते हैं तो आज का काम आपका ये है कि आपने ये जो लेफ़्ट सेक्शन आपको ये सारा नजर आ रहा है आपने ये फिल आउट कर देना है आपने आराम से बैठ के अपनी सारी डिटेल्स जो हैं स्किल्स एजुकेशन सर्टिफिकेशन ये सारा कुछ ऐड कर देना है और कल हम दोबारा वापस आएंगे और इसको शुरू करेंगे अपनी गिग को सेटअप करना इसी पेज से ठीक है ऑल राइट गैस तो आई होप आप लोगों ने आप प्रॉपरली सीख लिया है कि आपने अपने जो फाइबर अकाउंट है उसको प्रॉपरली और प्रोफेशनली कैसे सेटअप करना है ठीक है आपको मैंने लिंक भी दे दी है नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसको ऐड कर दूंगा आ, ताकि आप इस प्रोफाइल पे जाके उसको देख सकें और इससे आइडिया ले सकें अब आपने ये करना है कि आपने इस वीडियो को दोबारा से प्ले कर लेना है अगर आपके पास आप अपने लैपटॉप के सामने नहीं थे और अगर आप अपने कंप्यूटर के सामने नहीं थे तो आई एम श्योर आपने काफ़ी इन्फॉमेशन इसे अब्जॉब कर ली होगी आपने उसको फॉलो करके अपने फाइबर अकाउंट को आज सेटअप कर लेना है कल हम दोबारा मिलेंगे कल मेक श्योर sure आप इस वीडियो को लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें चैनल को ताकि कल और बेल आइकन पे भी टैप कर दें ताकि कल जो वीडियो अपलोड होने वाली है गिग क्रिएशन के ऊपर उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप सीखें कि कैसे आपने अपनी प्रोफेशनली अपनी गिग को सेटअप uh, करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रेशन आएँ उस पर और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सेल जनरेट हों तो दिस इज इट फ्रॉम मी इन दिस वीडियो आई विल सी यू गाइज टू मोरो इन पार्ट टू ऑफ दिस वीडियो जिसमें हम अपनी गिग सेट करने वाले हैं ट्यून फॉर इट गेट रेडी इट्स टाइम के आप सब ऑनलाइन पैसे कमाना शुरू करें और इस वीडियो के बाद ट्रस्ट में आप लोग अपने ऑनलाइन फ्री लांसिंग फाइवर पे जो करियर है वो शुरू कर लेंगे आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो सी यू ऑल